प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का परिणाम आने वाला है, और जिसको लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों से करने आया हूँ। मेरा मन कर रहा था कि आप लोगों से कुछ चर्चा करनी चाहिए, तो कृपया जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया इसे पूरा वीडियो देखें आप। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो पे रुकते हुए इसे पूरा देखें, देखने का प्रयास करें, और जो बातें मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ इन बातों को आप देख के और समझ के आप अपने आसपास के और अपने घर के बच्चों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। यदि आप गार्जियन हैं तो, और यदि आप बच्चे भी हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप वीडियो पर अंत तक रुकें। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ बच्चों। तो कल 25 अप्रैल है, और कल आपका यूपी बोर्ड 2023 का परिणाम आने वाला है, जो 1:30 पे वेबसाइट पे आ जाएगा। बच्चों या अभिभावक जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आपका आपके अनुसार नहीं आता है, आपका रिज़ल्ट आपके अनुसार नहीं आता है, आपके बच्चे ने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आ पाया, या आप जो उम्मीद कर रहे थे बच्चे से, कई बार ऐसा होता है कि परिणाम उसके अनुरूप नहीं रहता है, और जिसको लेकर के बच्चे या गार्जियन, कई बार ऐसा होता है अभिभावक गुस्से में आके आवेश में कोई ना कोई बात कह देते हैं, या बच्चे ही उन्हें महसूस होता है कि मैं अपने दोस्तों से कम नंबर रहे, या किसी चीज़ में मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो अपनी तुलना किसी से नहीं करी जाती है। आपने भगवान को बनाया है, भगवान ने आपको जो बनाया है वो आप एक इकलौते पीस हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे भी हैं, कोई भी एक परीक्षा, एक या दो परीक्षा परिणाम बिगड़ जाने से भी आपका भविष्य डिसाइड नहीं होता है कि ये परीक्षा खराब हो जाने से या नंबर कम आने से, असफल हो जाने से आपके आपको समस्या हो, या मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, और बहुत सारे लोग आप आसपास देखेंगे जो अपनी एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, या जिनकी हाई स्कूल इंटर एकेडमिक एजुकेशन जो हमारी बोली जाती है, ये थर्ड डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न बहुत लगभग बिल्कुल नॉर्मल नंबर, नॉर्मल से भी कम नंबरों से पास हुए हैं, और आगे चल के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या ऐसे भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में या बीटेक में फेल हो गए, और फेल होने के बाद फिर कवर किया और वो IAS PCS ऑफिसर बने, UPSC एग्ज़ाम क्रैक किए और इससे भी ऊपर तक गए। तो कभी भी एक परीक्षा से आप किसी भी बच्चे को जज ना करें, या कोई भी बच्चा अपने आप को जज ना करे। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अभिभावक या बच्चे आवेश में आकर किसी बात की उम्मीद कर रहे थे कि मेरे तो 80% बनने चाहिए थे या 85% बनने चाहिए थे, और नंबर कम रह गए, तो अपने आप को दोष देके कई बार क्या होता है कि इन घटनाओं से कुछ ना कुछ बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और जिसका पछतावा गार्जियन को हमेशा रहता है, या गार्जियन ने कुछ बोल दिया जिसको लेकर आक्रोश में आके कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम आपके जीवन से बड़ा लेकर नहीं हो सकता है, और कोई भी एग्ज़ाम, एक या दो एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं। चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, ये आपके जीवन का फैसला नहीं करने वाले हैं। ये असफलताएं ही हैं, ये कमियां ही हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सारी मेहनत, सब कुछ सही होने के बावजूद जिसे किस्मत दिया जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होता है, वो कमी रह जाती है, और आपके परिणाम आपके अनुरूप नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। बच्चे क्या करें और क्या ना करें, अगर आपके नंबर आपके हिसाब से नहीं आए हैं आप, तो परेशान नहीं होना है। आगे चल के आप खुद इस बात को बेहतर समझते हैं कि आपकी कमी कहाँ रही, या कहीं भी कमी नहीं रही, आपने सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है। तो इसके लिए
आपके नंबर कम हैं आपको लगता है, तो एक प्रोसेस होता है यूपी बोर्ड की तरफ से, स्क्रूटनिंग का, अपनी कॉपी रीचेक करा सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके नंबर आपके साथ गलत मार्किंग हुई है तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, पहली बात। उसके बाद मान लीजिए आपका पेपर ख़राब हो गया था और आपको इस बात का डर सता रहा है कि कल हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो भी आपको सामना करना चाहिए। जो भी समस्याएं बनेंगी, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इन चीज़ों को लेकर एकदम सीरियस होके आप जो भी चीज़ें होंगी उनका सामना किया जाएगा और मुसीबतों से घबराना नहीं हो सकता है। आज ये हर चीज़ के पीछे एक अच्छाई होती है। आपने देखा होगा 12th फेल एक DIG है, जो मतलब जिन्होंने बुक लिखी हो, 12th फेल हो गए थे, फिर उन्होंने रिक्शा चलाया, ऑटो चलाया और दिल्ली में जाके लोगों के कुत्ते टहलाए, और उसके बाद फिर उनके मन में जब पढ़ने का मन जगा तो वो इन्होंने UPSC क्रैक किया और वो मतलब आज DIG हैं 12th फेल के। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके हाई स्कूल में, कभी हाल फिलहाल में ही एक IAS महोदय थे, उन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर की थी, तो उनके जो 10th के मार्क्स थे वो सिर्फ 35% के एवम में थे, और उन्होंने मतलब देश की सबसे सर्वोत्तम सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया। और तो इस तरीके से कभी भी आपके नंबर, ये सिर्फ महज एक नंबर होते हैं, ये आपके भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकते। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके मार्क्स 80-90% और 100% 90-90% वाले मैंने पीछे रहते हुए देखा है, जीवन में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये नंबर आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकते हैं, वो आपकी मेहनत और आपका लगन सफलता की गारंटी हो सकती है। हो सकता है एक बार आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया हो, आप दोबारा मेहनत करेंगे, किस्मत आपका साथ देगी, किस्मत ही बहादुरों का साथ देती है। तो कभी भी इन चीज़ों को लेके एकदम डिप्रेस्ड नहीं होना है, जैसा भी परिणाम होगा एकदम ज़बरदस्त होगा। अभिभावकों की भी ये जिम्मेदारी है, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को कल के दिन अगर परिणाम उनका आपके अनुरूप नहीं भी आता है या वो परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को ढांढस बंधाएं और उसको एहसास कराएं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार इससे अच्छा होगा या आप अगली बार बहुत बेहतर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद आवेश में अभिभावक बच्चे को डांट देते हैं या मारने पीटने का काम कर देते हैं, जिससे आवेश में आके बच्चा कुछ गलत कदम उठा लेता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ कंपटीशन का दौर है, सब एक दूसरे से तुलना करना चाहते हैं, तो कभी भी अपने बच्चे की या अपनी खुद की तुलना किसी भी पड़ोसी से नहीं करना है। आपके बच्चे से आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके पड़ोसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके बच्चे के नंबर अगर कम रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। आपने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया? यदि नंबर कम रहे हैं तो आप अपनी आदत सुधारिए और उसको लगातार मोटिवेट करते रहना है। एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है ये परीक्षा। हम लोग आसपास हमारे यहाँ जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो जिस दिन से फसल का बीज बोते हैं उस दिन से खेत में जाना शुरू कर देते हैं, या आपने एक छोटा सा पौधा लगाया तो उसको पानी देना, और जितनी भी गलत संगत का मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो कीड़े से बचाना या उसको समय समय पर खाद पानी दवा हर चीज़ मुहैया कराना, एक किसान पूरी तरीके से करता है अपनी फसल जब तक कि उसे उसका परिणाम सुखद नहीं मिल जाता है, अंत होने तक वो लगातार खेत पे निरंतर जाता है। और हमारे तो बुजुर्ग कहा करते थे कि खेत खाली भी पड़ा है तो भी उसके चक्कर लगाते हैं, लोग पैर छूते हैं। तो ये बच्चे हैं आपकी, ये नई युवा पीढ़ी आपकी आने वाली फसल है, आपके जीवन को डिसाइड करने वाली है, आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा को बदलने वाले हैं। कहा गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपके बच्चे को आपने संस्कार अच्छे दिए हैं तो आपको पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सारा पैसा बहुत सारी इज्जत आपके लिए देगा। और यदि आपने बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पैसा एकत्रित किया है और बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, आप अच्छी उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, आप उसको अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं करवा पाए, तो आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लेंगे आप वो सारा पैसा वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आपको बच्चे में अच्छे संस्कार और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना है उसको लगातार। हम लोगों की ही तो अगर किसी के नंबर कम भी आते हैं तो अगली बार से मैं अभिभावकों से विशेष अनुरोध करता हूं कि उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोटिवेट करें, समय समय पे उनके अंदर जो
एक तरीके से कीटनाशक वाले जो स्थितियाँ आ जाती है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हमारे समाज में अव्यवस्थाएँ या कुछ ऐसे अराजक तत्व तो पाए जाते हैं जिनके संबंध में संपर्क में आके बच्चे का ध्यान एजुकेशन से सिस्टम से भटक जाता है और भटकाव की उम्र भी होती है। तो इस समय बहुत ही नाजुक कंडीशन में बच्चे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है गार्जियन की पूरी साल उनका ध्यान रखना है, उन्हें सारी बीमारियों से सारी समस्याओं से बचा के रखना है और उनको एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास आपको लगातार करते रहना है। जब एक बेहतर इंसान बनाएंगे तो एक सभ्य समाज का निर्माण होगा और एक सभ्य समाज ही आपके बच्चे को सफलता की तरफ ले जाएगी। तो नंबर को लेकर कोई भी अपने बच्चे को वो ना करें, और फिर भी अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं और दुखी है तो कृपया उसको अकेला ना छोड़ें, जिसकी बात मानता है और जो उसके दोस्त हैं उन लोगों के पास उसे उन लोगों से उसे समझवाएं। साथ में अगर कुछ समस्या है तो उसकी करियर काउंसलिंग आप कराएं, उसको समझाएं, रिश्तेदारी वगैरह जहां वो जा सकता है, जहां उसे जाना अच्छा लगता है, जिनके साथ रहना अच्छा लगता है वो काम आप करें। कष्ट हो सकता है, आपके मन को तकलीफ़ हो इस बात की कि फलाने शर्मा जी के लड़के से मेरे नंबर कम आए या फलाने मिश्रा जी के लड़के के नंबर मेरे लड़के से ज़्यादा आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके नंबर कितने आए हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यदि आपका बच्चा इस ठोकर लगने के बाद सिंसियर हो जाता है, यदि अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको होता है कि नहीं हमें अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर जागरूक होना है, हम लगातार उस पर निवेश करेंगे और लगातार उसको जो है मोटिवेट करेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता, बस यही है कि मोटिवेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके बात इस बात से फ़र्क पड़ता है कि संगत क्या है और सोबत क्या है। तो आप लोगों को भी गार्जियन जो भी हैं, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि कल परिणाम आने के दिन अपने बच्चे से कुछ भी आवेश में आकर ना बोलें, जैसा भी रिजल्ट होगा उसकी पीठ थपथपाएं, उसको आशीर्वाद दें कि बेटा आप भविष्य में आप इससे बेहतर करेंगे और ज़िंदगी में बहुत ऊपर तक जाएंगे, आपके जो भी नंबर आए हैं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और यदि आपके अनुसार नंबर कम भी रह रहे हैं तो आप अपने अंदर सुधार करिए। बच्चे को डेली उस लेवल पर लेके जाना है आपको, आप उसे समझाएंगे कि वो कहाँ तक जाए और क्या करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल परिणाम आने के बाद मैं शाम को फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर दोस्तों इस वीडियो को देख के एक भी गार्जियन, एक भी बच्चा अगर मोटिवेट होता है और इस चीज़ से उसके जीवन में बदलाव आता है तो मैं अपने वीडियो बनाने के तरीके को सफल समझूंगा, अपना प्रयास को सार्थक मानूंगा। आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें। यूपी बोर्ड से या कंपटीशन एग्ज़ाम आगे आपकी करियर काउंसलिंग को लेकर क्या आपके लिए स्कोप है, उन सब पे हम लोग हमारे यहाँ पे आपको समय समय पे सेमिनार के माध्यम से या वैसे जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।